Hi guys, this is Rohit Nagar and I have scored 200 plus marks in JEE Mains 2021 and I have also cracked JEE Advanced. तो यार मैं इस पोजीशन में हूँ कि आपको नेक्स्ट 50 डेज के लिए JEE Mains के लिए स्ट्रेटेजी बता सकूँ कि आपको नेक्स्ट 50 डेज में क्या फॉलो करना है और आपके लिए यार ये वीडियो लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। आप अभी तक किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो, आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है या आपको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट 50 डेज में क्या करना चाहिए। आप किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो ना, आप डेफिनेटली इंप्रूव करोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इस वीडियो में सारी जितनी भी टिप्स मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, अच्छे से फॉलो करते हो, अच्छे से प्लान बनाते हो, तो आप डेफिनेटली यार कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका स्कोर इंप्रूव ना हो, आप JEE मेंस क्रैक ना कर पाओ 2022। एंड वन मोर थिंग गाइस, आपको किसी भी पॉइंट पे वीडियो के अंदर यार JEE क्रैक करने की मोटिवेशन आती है तो यार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यार मैं आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। आपको सारी वेटेज वगैरह सब कुछ ए टू जेड सब चीजें क्लियर करने वाला हूँ कि नेक्स्ट 45 to 50 डेज के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले आता है यार, फर्स्ट पॉइंट आता है एनालिसिस। एनालिसिस क्या है कि 25 to 30 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि 25 से 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट मैच होते हैं, उनकी सिर्फ वैल्यूज वगैरह चेंज कर देते हैं, मतलब डिजिट्स वगैरह, नहीं तो मैक्सिमम टाइप कॉन्सेप्ट 25 से 30 क्वेश्चन के सेम ही मिलेंगे आपको। सेकेंड पॉइंट है केमिस्ट्री, यार 99% एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री आती है, मतलब JEE मेंस के अंदर अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करके चले जाओगे ना, आपके 99% कंप्लीट हो जाएगा। इवन मतलब आप 100 out of 100 लेओगे सिर्फ केमिस्ट्री करके जाओ JEE मेंस के लिए। और यार हमारी माइंड में एक मिथ होती है कि JEE मेंस के अंदर पता नहीं कौन सी बुक से आते हैं, HC वर्मा पे चले जाते हैं, HC वर्मा से भी लोअर लेवल पे आते हैं अगर फिजिक्स की बात करें, लेकिन केमिस्ट्री में आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओ, आपके 99% या इवन 100 out of 100 आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है यार, अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। अब आपका यार टारगेट मैंने वीडियो में डाला हुआ है 190 प्लस आपको स्कोर करना है, जिसपे आपकी 99 प्लस परसेंटाइल आ जाती है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको 25 क्वेश्चन को छोना तक नहीं है। क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कि हमें कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टारगेट करना है और कौन से क्वेश्चन को लीव करना है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस की बात करें उसमें 30 क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, प्लस 20 क्वेश्चंस मीडियम मिलेंगे या मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। हमें टफ क्वेश्चंस को छेड़ना ही नहीं है, मतलब टच भी नहीं करना है टफ क्वेश्चंस को, तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन पे काफी ज्यादा वर्क करना होगा इस 50 to 45 डेज के बीच में। जितना आप क्वेश्चन सिलेक्शन पे वर्क कर लोगे ना यार, आपका उतना ही स्कोर अच्छा आने वाला है। तो आपको 30 क्वेश्चंस इजी सॉल्व करने हैं, 20 मीडियम करने हैं, टफ क्वेश्चन सारे लीव कर देने हैं, और यार ये 75 में से 50 क्वेश्चन करने हैं। वैसे तो आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें चॉइसेस भी मिलेंगी, तो यार 50 क्वेश्चन इतना टफ नहीं रहेगा अगर आप मतलब अच्छे से पढ़ाई कर लो। और इसमें भी अगर आप 50 क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं कि आपके बाय चांस 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर भी आप 180 या 190 प्लस स्कोर कर लोगे इजीली। नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट है डिवाइड 50 डेज। अब आपको यार डिवाइड करने पड़ेंगे कि कितने दिन क्या करना है। जैसे कि मैंने बताया हुआ है 50 डेज में आप अराउंड 35 डेज आप सिलेबस कंप्लीशन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दो, और जो बाकी के 10 से 15 दिन बाकी के एट द एंड मतलब बिफोर एग्जाम जो बचेंगे उसमें आपको रिविजन प्लस मॉक टेस्ट देने होंगे। क्योंकि यार हम एंड में कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, लेकिन रिविजन और मॉक टेस्ट के बिना हमारे मार्क्स या हमारा सिलेक्शन नहीं होना है। तो यार ये जरूर ध्यान रखना, आपके एंड के टाइम में 10 से 15 दिन ये होने चाहिए जिसमें आपको मिनिमम रिवीजन करना हो प्लस मॉक टेस्ट देने हो। अब यार ये डिवाइड कर दिया, वैसे टाइम टेबल क्या होना चाहिए उसके लिए हम आगे भी बात करेंगे। अब थर्ड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अभी तक यार किसी भी, अभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे मैक्सिमम लोग वो होंगे जो 12th में अभी मतलब 12th में करंट पढ़ रहे हैं और एग्जाम देंगे प्लस ड्रॉपर्स होंगे। तो यार तुम्हारे लिए यही बोलूंगा कि मैं आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अभी आप अभी से स्टार्ट करो, जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हो उसी के बाद स्टार्ट करो, अपने सारे वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और आइडेंटिफाई करो कि आपके कौन से वीक है कौन से स्ट्रॉन्ग है। और अब आपको जो करना है ना वीक टॉपिक्स में, आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, आप उसे वन शॉट से मटेरियल अभी डिस्कस करेंगे क्या फॉलो करना चाहिए, थ्योरी प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी वीक टॉपिक्स के लिए। सेकेंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में आप थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी की होगी थोड़ी बहुत, तो
तो आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे मेनली फोकस करना है, रिविजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्ट्रॉन्ग के लिए रिविजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अभी काफी सारे बच्चे पूछेंगे भैया हमें पर चैप्टर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आप वीक टॉपिक्स के अंदर 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करो या उससे ज्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है। प्लस आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के लिए 30-40 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करके जाओ हर चैप्टर के लिए। स्ट्रॉन्ग में आपको 30-40 और वीक टॉपिक्स के लिए अराउंड 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे पर चैप्टर। अब आते यार थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे था आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक, आप इसकी लिस्ट बना लेना डेफिनेटली। देन फोर्थ पे आता है वेटेज प्लस कंप्लीट 70-80% ऑफ सिलेबस। अब आपको यार 190 प्लस स्कोर करना है तो आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाना है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितना हो सके ट्राई उतना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना। मैथ्स के लिए थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी करना क्योंकि यार मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ आ रहा है, तो मैथ्स में सिर्फ वही चैप्टर करना जो आपको डेफिनेटली लगे कि यार मैं इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर सॉल्व कर लूंगा, तो मैथ्स में ऐसे फॉलो करना। प्लस यार केमिस्ट्री और फिजिक्स का आप एनालाइज करो ना पिछले 1-2 साल का पेपर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स काफी ज्यादा आसान आने लगा है, तो उसमें आप जितना कवर कर सकते हो सिलेबस उतना कवर करो। और यार फिजिक्स तो काफी ज्यादा आसान आने लगा पिछले, जैसे आप 2021 के पेपर्स देखोगे आप भाई, आप फॉर्मूले भी मतलब अराउंड 30 में से 10 क्वेश्चन ऐसे आप जो फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप फॉर्मूले लगा के कर सकते हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोलूंगा आप मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करो, मैथ्स में थोड़े सेलेक्टिव रहो। और यार वेटेज के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, अभी अगर मैं इसमें डिस्कस करने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। जिन बच्चों को वेटेज देखनी है उसमें मैंने क्या बताया हुआ है कि प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स बताए हुए हैं कि जिस चैप्टर्स की हाई प्रायोरिटी मतलब हाई वेटेज है प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो आप उस पैटर्न में अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट करना। प्लस आपको 70-80% सिलेबस टारगेट करना है, 100% नहीं करना है। नाउ मूव टू द फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट यार स्टडी मटेरियल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। स्टडी मटेरियल अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, मतलब आपने पढ़ाई नहीं की कुछ भी नहीं किया फिर भी आप एक कोचिंग में एनरोल्ड हो गए, वहां से जितना भी आपने पढ़ा है आपके पास वो मटेरियल होगा, डीपीपी वगैरह वो सॉल्व करो। प्लस आप कोचिंग के लेक्चर्स देखो। अभी यार मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी कोई बुक रीड करे, बुक रीड करने का यार ये टाइम नहीं है। अभी आपको जितना अब थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा कि आप जितना जल्दी मतलब स्टार्ट कर सकते हो या जितना जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपके पास अगर कोचिंग में एनरोल्ड हो तो उसका मटेरियल सॉल्व करो, प्लस उसके लेक्चर्स देखो अगर ऑनलाइन एनरोल्ड हो या जो भी आपने किया होगा उसमें कोचिंग वाले बच्चों के लिए है। प्लस अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं हो तो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, करते थे, तो आप वन शॉट वीडियोस को फॉलो करो यूट्यूब से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स गैलेक्सी की देख लो। और यार मैंने काफी चैनल्स बताए हुए हैं दूसरी वीडियोस में, आप जो भी आपको अच्छा लगे यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस वो सारी वीडियोस को वॉच करो और YouTube की हेल्प लो, फुल लेक्चर्स देखो, मतलब जिससे भी आप कंफर्ट हो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए और जितने जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सको। प्लस अगर यार आप एकदम न्यू वन हो, मतलब आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की, आप जस्ट अब स्टार्ट करोगे कि यार मैं फर्स्ट टाइम जेई देने वाला हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है जेई के मतलब रिलेटेड, तो आप एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई भी मतलब आप जैसे किसी भी कोचिंग का आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। मेरी तरफ से तो कोई रिकमेंड नहीं है, मतलब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसी कोचिंग का ज्वाइन कर लो। बहुत सारी कोचिंग है जैसे अनअकैडमी है, पीडब्ल्यू का फिजिक्स वाला का क्रैश कोर्स है, एटीपी स्टार की क्रैश कोर्स है, इस टाइप के क्रैश कोर्स आते हैं, तो आपको वो वन शॉट वीडियोस देंगे प्लस आपको मटेरियल सॉल्व करने के लिए देंगे, मतलब आपकी एक जो सिस्टमैटिक प्रिपरेशन है ना वो एक सिस्टमैटिक हो जाएगी। तो आप अगर न्यू वन हो तो क्रैश कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो बच्चे यार सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, डिसिप्लिन है, तो आप वन शॉट वीडियोस देखो यूट्यूब से, और कोचिंग में एनरोल्ड है तो अपने कोचिंग लेक्चर्स देखो। अब आते हैं यार मटेरियल क्या सॉल्व करना चाहिए कोचिंग वाले बच्चों को, तो यार डीपीपी वगैरह जो भी कोचिंग मटेरियल है, प्लस आपको कोई, और जो बच्चे यार बुक फॉलो करते हैं पहले से ही, मतलब पिछले 2 साल से 1 साल से जो बच्चे बुक फॉलो करते आ रहे, उन्हीं बुक्स को दोबारा करो एक बार, या जो क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। प्लस अगर आपने अभी तक कोई बुक या किसी कोचिंग का मटेरियल नहीं किया और इस टाइम पे आप 190 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हो और थ्योरी कंप्लीट आप ऑनलाइन कर लोगे लेक्चर्स देख के, तो यार पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ नहीं है। आप बुक या कोचिंग वगैरह के जो मटेरियल है
वो तो सॉल्व करो, लेकिन जिन बच्चों के पास कोई मटेरियल सॉल्व करने के लिए नहीं है तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ 2016 से 2021 तक, आपके डेफिनेटली यार मैं बता रहा हूँ ना, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना आपसे, सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे, बचे रह जाएंगे। इसलिए आप पिछले दो मतलब 2016 से 2021 तक के क्वेश्चन करो। अगर आपको लगता है कि इतने सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो मिनिमम 2019 से 2021 तक के क्वेश्चंस तो जरूर सॉल्व करके जाने हैं हर बच्चे को, बेशक वो कोचिंग में एनरोल्ड हो, डीपीपी सॉल्व कर रहा हो, बुक हो उसके पास, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो डेफिनेटली सॉल्व करके जाने हर एक बच्चे को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टाइम पे आपके लिए गॉड होने वाले हैं भाई, इतनी ज्यादा हेल्प करेंगे ना मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे पास भी लास्ट ईयर 3 मंथ्स के अराउंड बाकी थे, तो मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मतलब बिफोर ड्रॉप जो मेरे मार्क्स आए थे, मेरी 85% आई थी 3 मंथ्स के अंदर। मैंने सारी वन शॉट वीडियोस देखी, प्लस कोई मटेरियल सॉल्व नहीं किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, और मेरे यार उसमें 97% आई, जिसमें मेरे अराउंड 176 या 172 मार्क्स थे। तो यार अगर मैं इतना इंप्रूव कर सकता हूँ 3 महीने के अंदर, तो आप तो यार किसी भी लेवल तक इंप्रूव कर सकते हो भाई। बस थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि यार मुझे जेई क्रैक करना है, और थोड़ा सा मतलब यार स्मार्टली चलना पड़ेगा। अब अगर आपके 8-8 घंटे लेक्चर चलते हैं ना यार, थोड़ा स्मार्टली चलो कि मुझे जो कोचिंग में 8 घंटे लेक्चर दिए जा रहे हैं वो मेरा बैकलॉग क्रिएट करेंगे, तो उनके साथ कोशिश करो कि आधे चैप्टर्स आप कोचिंग से करो, आधे वन शॉट वीडियो से, जिससे कि आपका सिलेबस काफी फास्ट कवर होगा, तो वो आपको ही हेल्प करेगा। नाउ कम टू दी 6th पॉइंट। अब 6th पॉइंट है टाइम टेबल। अब टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम टेबल यार मिनिमम आपको 12 घंटे अब स्टडी करनी पड़ेगी, 12-13 घंटे। अभी तक आप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या कितना भी टाइम पढ़ते थे, उसको यार इंक्रीज कर लो ड्रास्टिकली। एकदम तो इंक्रीज नहीं होगा कि आज आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, कल एकदम स्टार्ट कर दो 12 घंटे पढ़ने, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ट्राई करो कि आप 4 से 5 दिन में अपने इस मतलब इसमें रूटीन में लिया हो, आपको 12 घंटे डेली पढ़ना है, तो यार 4 से 5 दिन बहुत होते हैं आपको अपनी टाइमिंग चेंज करने के लिए। और यार अगर आपको 190 प्लस मार्क्स लेके आने हैं तो मिनिमम इस टाइम पे 12 से 13 घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी ही पड़ेगी यार। तो 12 घंटे पढ़ाई करो, प्लस यार डेली टारगेट बनाओ, मतलब मेक डेली प्लान, डेली का प्लान बनाओ कि आज पूरे दिन मुझे क्या करना है। उससे क्या होगा ना, पूरे दिन ऑर्गेनाइज्ड होगे, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा आपका, तो आपका एकदम विजन क्लियर होगा कि आज के पूरे दिन में मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन मतलब किस किस चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी कौन सी पढ़नी है, किस टॉपिक के लेक्चर देखने, तो वो सब प्री प्लान रखो अपना कि पूरे दिन में मुझे क्या करना है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि 2 सब्जेक्ट पर डे, हर दिन क्या आप 2 सब्जेक्ट रखो। मॉर्निंग में आप ट्राई करो कि लेक्चर्स वॉच कर लो, और आफ्टर 12 आप ट्राई करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और थोड़ा ट्राई करो कि इवनिंग या मॉर्निंग में रिविजन के लिए भी टाइम निकालो। रिविजन का भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। अब आते हैं यार 4 to 6 hours लेक्चर। अब आपके यार किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो यार 4 से 6 घंटे के लेक्चर्स इनफ हैं। अगर आप 8-8, 9-9 घंटे या 12-12 घंटे के लेक्चर्स देखने लग रहे हो, तो यार उसे ड्रॉप करो, ड्रॉप बिल्कुल मत करो। ऐसा करो कि 50% आप उसे फॉलो करो, और जो चैप्टर्स आप यूट्यूब से कर सकते हो वन शॉट वीडियो से, आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा बेसिक लेवल तक क्लियर है, अगर उसे मैं वन शॉट से कवर कर लूं जल्दी से और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, तो आपको वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो चैप्टर्स आपके एकदम वीक है उनके लिए आप फुल लेक्चर वीडियोस देखो, और जो आपको लगता है कि यार ये बेसिक लेवल में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इस चैप्टर का ऊपर ऊपर का मतलब, और उसके मुझे स्ट्रांग करना है, वीक से स्ट्रांग तक जाना है ना उस चैप्टर पे, तो आप वन शॉट वीडियोस देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम बचेगा, वीडियो लेक्चर्स में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी कर पाओगे। जैसा कि मैंने लिखा है 6 to 7 hours सेल्फ स्टडी जरूरी है, और सेल्फ स्टडी के अंदर क्या होता है कि आपको रिविजन हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गई, लेक्चर्स तो आपने यहां से देख लिया, रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लेक्चर्स कंप्लीट करते जा रहे हो, मतलब जो आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, उसका डेली फास्ट रिविजन जरूर करो। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी डेली करनी है, उसमें इसी में इंक्लूड हो जाती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, पर डे 2 सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। थर्ड आता है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अब जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हो उसे टाइम बाउंड करो, क्योंकि यार अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, स्टार्टिंग में हो सकता है आप बिना टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट हो जाएगी तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, जिससे आपको रियल एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि यार वहां तो लिमिटेड टाइम मिलने वाला है ना। अगर आप एक क्वेश्चन को 5-10 मिनट में सॉल्व करोगे तो काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा आपका, तो इसलिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी हैबिट बिल्ड हो कि रियल एग्जाम में भी आप फास्ट फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सको।
अभी आप क्या करते होगे, एक ही क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व कर लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो ना स्पीड, तो स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी। वैसे स्पीड से ज्यादा आप फोकस करो एक्यूरेसी पे, क्योंकि आपको ना 50 क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, तो आप जितनी अच्छी एक्यूरेसी रखोगे, क्योंकि स्पीड का तो मैटर नहीं है, क्योंकि आप 25 क्वेश्चंस को पहले ही लीव कर रहे हो। 50 क्वेश्चन 3 घंटे बहुत टाइम होता है यार, टाइम तो मिल जाएगा, उसमें भी आपको ऊपर से चॉइसेस हैं, तो आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है मेनली। एंड सेवेंथ पॉइंट इज मॉक टेस्ट। अब आपने सिलेबस कंप्लीशन कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आते हैं मॉक टेस्ट। आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली, अब यार मॉक टेस्ट से ना डर लगता है, मुझे भी लगता था, तभी मेरे 85% आई थी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉप लिया था, तो मैंने ये चीजें क्लियर कर ली थी। सबसे पहले अपना सिलेबस फास्ट कंप्लीट करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो किया, आप भी कर सकते हो, और मैंने बोला भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करो अगर बुक या फिर आपका कोई कोचिंग मटेरियल नहीं है। तो मैंने उसमें कुछ मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की, लेकिन मॉक टेस्ट मैंने मॉक टेस्ट का भी डिसाइड किया कि मॉक टेस्ट भी दूंगा, तभी मेरा स्कोर 85 से 97 आया। अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं देता तो वही 85 से 90 तक जा सकता था, 97 नहीं। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। हमें थोड़ा डर लगता है कि यार हमने इतनी पढ़ाई कर ली, तो हम अपने आप को एनालाइज नहीं करना चाहते ना, कि हम रियल यार कहीं स्कोर कम ना जाए, तो यार ये डर निकाल दो। या फिर आपके पेरेंट्स नंबर पूछेंगे, कोचिंग में इतने मार्क्स आ गए, वो सब छोड़ दो, आपका 1-2 महीने बाद जेई क्लियर हो जाएगा यार, कोई नहीं पूछेगा आपके मार्क्स। मतलब आप जब एक कॉलेज में पहुंच जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये मॉक टेस्ट था क्या, मतलब पेरेंट्स पूछेंगे, मार्क्स कमाएंगे, छोटी छोटी चीजें होती है, अभी आपको इनसे ओवरकम करना होगा। तो मॉक टेस्ट देने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी और के लिए मत दो, अपने लिए दो, खुद से मॉक टेस्ट दो, खुद एनालाइज करो, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो। अगर आपकी सेटिंग या एफिशिएंसी कम है, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप 1-1 घंटे के मॉक टेस्ट दो सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैं भी ऐसे अपने टाइम पे क्या करता था कि 3 घंटे लगातार एफिशिएंसी काफी कम आती थी, तो मैंने जो मेरा वीक सब्जेक्ट था या तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं 1-1 घंटे के मॉक टेस्ट देता था। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप 1-1 घंटे के दो, उसमें आपकी एफिशिएंसी भी आएगी और कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंप्रूव होगा आपका। देन आप 3 आवर के मॉक टेस्ट भी दो। अभी के लिए आप सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट हफ्ते में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 दो, उससे ज्यादा मत दो। आपको जो लास्ट 10-15 डेज है, उसमें आपको ऑल्टरनेट डेली मॉक टेस्ट देने और रिविजन भी करना है। तो मॉक टेस्ट के लिए इतना ही था। अब आते हैं 8 पॉइंट, रिवीजन। अब रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जो बैकलॉग क्रिएट होता है वो रिवीजन की वजह से होता है। तो रिवीजन डेली करो, शॉर्ट नोट्स बना लो, अभी भी टाइम है, यही टाइम होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। कोई भी चैप्टर आप जैसे रिवाइज कर रहे हो ना एक टाइम में, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा आधा घंटा लग सकता है एक चैप्टर को, वैसे इतना लगना नहीं चाहिए पर लग जाता है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे रिवाइज किया 5-10 मिनट में शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब उस चैप्टर को रिवाइज करोगे आप एग्जाम से पहले, तो आपके 5-10 मिनट में ही रिवाइज हो जाएगा, ना कि आपको आधा घंटा फिर से देना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, प्लस आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब रिवीजन आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, बेस्ट वे यही होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे आपका एक बार सिलेबस पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो देन अभी तक जो बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चों का या जितने भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो आप इस टाइम पे यही करो कि आप तो मतलब 30-30 क्वेश्चंस करो सब्जेक्ट वाइज। जैसे फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस उठाए, मतलब इक्वली बैलेंस्ड होने चाहिए, हर चैप्टर से मिनिमम 1 क्वेश्चन होना चाहिए, उसको उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जिस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए उसकी थ्योरी रिवाइज करो, फॉर्मुले रिवाइज करो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करो आप, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। मुझे भी हेल्प किया था, तो आपको भी हेल्प करेगा डेफिनेटली। तो यार यही था आज की वीडियो में, आई होप। अब यार रैंक जो बच्चा यार मतलब इम्प्रूव करेगा या रैंक लेके आएगा, या जो बच्चा 90 प्लस या 99+ परसेंटाइल लेके आने वाला है ना, वो ही लेके आएगा जो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से फॉलो करेगा। मैंने यार सारी स्ट्रेटेजी बता दी है इसमें, जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे, मैक्सिमम बच्चों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यार डाउट क्लियर हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक, और यार अब जेई क्रैक करना है, और आज से ही लग जाओ, मतलब अभी से स्टार्ट कर लो। जो बच्चे यार ये वीडियो देख के अभी से स्टार्ट कर देंगे ना, कुछ बच्चे होंगे कि ये वीडियो देखेंगे फिर नेक्स्ट पे स्विच कर जाएंगे, फिर कोई दूसरी वीडियो देखेंगे, यार वो तो ऐसे घूमते ही रहेंगे। जो बच्चे अभी ये वीडियो देखेंगे, अपना अभी प्लान बनाएंगे, थोड़ी देर बाद भी बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्लान बनाओगे आप और अभी से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप पक्का डेफिनेटली जेई मेंस 2022 फोड़ने वाले हो। 99% आपकी आने वाली है, बस अपने ऊपर बिलीव रखो कि यार जेई मेंस क्रैक करना है,
तो आप जे मेंस क्रैक करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप एडवांस भी निकाल दोगे। बस अपने ऊपर बिलीव रखो, डेली हार्ड वर्क करते रहो, डरो मत यार, ये छोटी मोटी चीजें हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, एक दो महीने बाद जब ये सारे एग्जाम्स हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा यार ये भी कोई चीज थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, इट मोटिवेट्स मी ऑल्सो, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।